भक्तों पर बनी रहे। श्याम भक्तों, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। शास्त्रों के अनुसार बलशालियों में सर्वाधिक बलशाली श्याम है, और श्याम से बढ़कर श्याम का नाम है। श्याम बहादुर महाराज जी ने और आलू सिंह जी महाराज जी ने श्याम नाम का जप करते करते, भजन करते करते मोक्ष को प्राप्त कर लिया। यह दोनों ही बाबा श्याम जी के महान भक्त हुए हैं, और इन दोनों ने ही नहीं बल्कि अन्य भक्तों ने भी बाबा श्याम का गुणगान ही करते रहे। श्याम नाम के जप करने से भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। श्याम नाम के लिए सब कुछ मुमकिन है, बस उसको भाव और विश्वास के साथ जपा जाए तो, तब चमत्कार बहुत जल्दी दिखाई दे जाता है। तभी तो महान संत जन कहते हैं, तर्क छोड़कर निरंतर नाम जप करोगे तो कल्याण होकर रहेगा। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो कलकत्ता की रहने वाली सरस्वती जी की है। जिस सत्य कहानी को सुनकर आपको भी पता चल जाएगा कि बाबा श्याम कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं, तब इस सत्य कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सरस्वती जी ने बताया कि श्याम नाम का जप करके लोगों के दुख दूर हो रहे हैं, और लोग नाम जप करके श्याम नाम का अनुभव किया है, और लोग नाम जप करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। जब वो भी श्याम नाम का जप करने लग जाते हैं, तब उनके जीवन में भी बाबा श्याम की कृपा हो रही है। मैं आपके चैनल की वीडियो को काफ़ी लंबे समय से देखती आ रही हूँ, जिससे मेरा विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। श्याम नाम के जप ने मेरे जीवन के अंधेरे को दूर कर दिया है। तब आज मैं अपने जीवन की ऐसी घटना को सुनाने वाली हूँ, जिसको सुनने के बाद सब लोग यही कहेंगे कि श्याम नाम ही है जो हमारा उद्धार कर सकता है। मेरा नाम सरस्वती है, मेरी उम्र 24 वर्ष की है, और मैं कलकत्ता की रहने वाली हूँ। मेरे पापा जी दिल्ली में गवर्नमेंट नौकरी करते हैं। हम केवल दो बहनें ही हैं। हमारे घर में सभी कुछ अच्छा चल रहा था। मेरी बड़ी बहन के लिए एक लड़का देखा, वो पसंद आ गया, तब मेरी बहन की शादी कर दी गई। जब बड़ी बहन की शादी हो गई, तब पापा जी ने सोचा कि अब छोटी लड़की की भी शादी कर दूं और उसके लिए भी लड़का देख लो, ताकि इसकी भी शादी हो जाए, जो कि उम्र भी शादी के लायक हो गई थी। तो मेरी उम्र के हिसाब से मेरी शादी के लिए मेरे पिताजी लड़का ढूंढने लगे। हर माता पिता की तरह मेरे माता पिता भी अच्छी नौकरी वाला लड़का देख रहे थे। कई लड़का शादी के लिए देखे गए। इसी तरह लगातार समय निकलता जा रहा था, किंतु मेरी शादी की बात नहीं बन पा रही थी। लड़का देखते देखते पूरे 4 वर्ष बीत गए। मेरे पिताजी नौकरी करते थे, तब उनको बार बार आना पड़ता था। तब ना जाने कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती थी, बात बनते बनते रह जाती थी। जिसने जिसने जहां जहां लड़का बताया, वो वहां वहां ही लड़का देखने के लिए जाते थे। फिर थक हार कर ज्योतिषियों को भी मेरी कुंडली दिखाई। जिसने जो पूजा पाठ बोला वो सब किया, अनुष्ठान भी कराए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। पैसा भी काफी बर्बाद हो गया था। अपने घर वालों को परेशान देखकर मैं भी बहुत परेशान रहती थी। अपना कोई भाई नहीं है, जिसके कारण पापा जी को ही परेशान होना पड़ रहा था, जिससे मुझे दिन रात टेंशन ही बनी रहती थी। मैं बाबा श्याम और हनुमान जी को अपना भाई मानती हूँ। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तब मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरा कोई भाई नहीं है, आपको ही अपना बड़ा भाई मानती हूँ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। यदि आप भी साथ नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगी, तब कुछ तो करो आप। ये नवम्बर 2023 की बात है। मैं यूट्यूब पर भजन सुन रही थी, तब उस भजन के ही नीचे श्याम नाम जप की महिमा की एक सत्य कहानी वाली वीडियो मेरे सामने आई। तब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद मैंने आपके चैनल की कई सत्य कहानी वाली वीडियो को देखा, तब मुझको लगा कि हनुमान जी ने शायद मेरी पुकार सुन ली है, अब मेरी प्रार्थना भी सुन ली जाएगी।
यह पूरा विश्वास हो गया था कि हनुमान जी ने ही यह कोई इशारा किया है। अब मेरी शादी होना पक्का है। तब मेरी आपसे बात हुई इंस्टाग्राम के द्वारा। तब आपने कहा परेशान नहीं होना, इस जीवन की जो भी समस्या है श्याम नाम की शक्ति के आगे सब फेल है, क्योंकि कलयुग में नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। तब आपने कहा कि श्याम नाम का जप करो, उनकी पूजा करो, बाबा श्याम को प्यारे प्यारे भजन सुनाओ और श्याम मंत्र का जाप करो, निरंतर नाम जप करो भाव और विश्वास के साथ, तुम्हारा भला होगा। तब जैसा आपने बोला मैंने वैसा ही किया। करीब 1.5 महीने करने के बाद मुझे कोई अंतर नहीं दिखा। तब मैंने फिर से आपसे बात की। तब आपने कहा कि सब्र के साथ भाव और विश्वास के साथ नाम जप करोगी तो सब होगा। मैंने फिर से श्याम नाम का जप करना शुरू कर दिया। तब मुझे सपने में बाबा श्याम के दर्शन हुए। फिर मैंने आपको बताया तो आपने बोला कि किसी को नहीं बताना। फिर मेरी बाबा श्याम ने सुन ली। फरवरी महीने में मेरे पापा जी के एक दोस्त मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आए, जिन्होंने ये रिश्ता बताया था। उनका नाम भी श्याम है। यह पता चलने पर मैं बहुत देर तक रोती रही और सोचा कि बाबा श्याम स्वयं मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। अब तो बात बनेगी ही बनेगी, जो कि ये सच हुआ। मेरे रिश्ते की बात बन गई। 14 अप्रैल को हमारी दिखाई हुई और फिर हमारी शादी फिक्स हो गई। लड़का हर तरह से ही काफी अच्छा है, किसी भी प्रकार का ऐब उसमें नहीं है। और बाबा श्याम की कृपा से मई में ही हमारी सगाई हो गई और नवंबर 2024 में हमारी शादी है। अब जो हमारे परिवार में खुशी का माहौल है वो सब बाबा श्याम और हनुमान जी के आशीर्वाद से है और श्याम नाम जप के प्रभाव से ही संभव हो पाया है। आपकी वीडियो को सुनकर न जाने कितने लोग श्याम नाम का जप करने को प्रेरित हो रहे हैं और उनका कल्याण भी हो रहा है। एक बात तो सच है कि नाम जप के साथ सब्र रखना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि सब्र का फल तो मीठा ही होता है। जब आप भाव और विश्वास के साथ श्याम नाम का जप करते हैं तो बाबा श्याम कभी आपको निराश नहीं करेंगे, वह आपका कल्याण जरूर करते हैं। आपको बस सब्र के साथ निरंतर श्याम नाम का जप करते रहना चाहिए। आज की सत्य कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप खाटू के राजा श्याम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा श्याम भक्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी बाबा श्याम की महिमा और सत्य कहानी को सुन सकें। हारे के सहारे की जय, तीन बांध धारी की जय, सच्चे दरबार की जय, लख दातार की जय, शीश के दानी की जय, खाटू नरेश की जय, अहिल्यावती के लाल की जय। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम।